आपको बता दें कि जावेद खान ने भारतीय होने की मिसाल दी। जावेद खान व्यापारी संघ अध्यक्ष के द्वारा साल में 3 कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और नर्मदा जयंती। विगत 8-9 साल से यह सिलसिला लगातार जारी है। इस वर्ष भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन ध्वजारोहण और सम्मान कार्यक्रम किया गया, जिसमें एडवोकेट GS ठाकुर, नगर अध्यक्ष भाजपा का सम्मान, सिविक सेंटर वंदे मातरम चौक में व्यापारी संघ के अध्यक्ष जावेद खान और उनके व्यापारियों बंधुओं के द्वारा किया गया। वहीं इसी मौके पर व्यापारी संघ अध्यक्ष जावेद खान ने बताया कि हर साल की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के दिन ध्वजारोहण और सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया और यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। साथ ही कोरोना से बचाव की अपील की। उन्होंने कहा कि मास्क लगाएं और सुरक्षित रहें। कार्यक्रम प्रशांत जी और जावेद भाई, खेल जगत के सारे लोगों ने बड़ी हस्तियों ने उपस्थित होकर गणतंत्र मनाया। 73वां गणतंत्र हमारे देश का अत्यंत शक्तिशाली गणतंत्र होता चला जा रहा है। आज हम दुनिया को अपनी ताकत दिखाने में सक्षम हुए हैं। मुझे लगता है परिवर्तन का युग चल रहा है और ये हमारे संविधान जो उत्तरोत्तर उन्नतिकर्ता संविधान है, समय समय पर बदला, लेकिन आज सर्वश्रेष्ठ संविधान की उसकी बदौलत हम दुनिया की सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर सकें। हमारे पड़ोसी में देखा अफगानिस्तान, जहाँ सरकार छोड़कर भाग गई थी, और ये हमारे संविधान का है कि हम इस संकट काल में भी मजबूती के साथ उभरे हैं। दुनिया को हमने आदर्श दिया है। हम ये देना चाहते हैं संदेश कि सब अपने हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं। इस दुनिया में जितने लोग हैं सब एक दूसरे की मदद करें, हेल्प करें और आगे बढ़ें और एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। हमारी यही विनती है और भेदभाव कोई भी ना करे, कृपया। सब एक खून है और एक लोग हैं सब लोग। जय हिंद, जय भारत, और मास्क का उपयोग करें, कोरोना से बचें।